अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। भागती हुई मेड नियान के पास आती है और कहती है, मिस्टर गोंग आपको बुला रहे हैं। इधर गोंगयू घर में अपनी पेंटिंग लगवा रहा होता है, तभी नियान उसके पास आती है और पेंटिंग देखकर कहती है, ये पेंटिंग मैंने बनाई थी, तुम्हें कैसे मिली? गोंगयू, तुमने इसे बेड के नीचे छुपाया था इसलिए आसानी से मिल गई। नियान, पर ये मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पर प्रेजेंट में देने वाली थी, पर अब मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या दूंगी? गोंगयू उस पेंटिंग को वापस रखवा देता है, जिससे नियान उसे वो बर्थडे पर प्रेजेंट दे सके। नियान, गोंगयू मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बर्थडे का इन्विटेशन तुम्हारी मॉम को भी जाए। गोंगयू, तुम्हें पता है ना वो तुम्हें लाइक नहीं करती, अगर वो आएंगी तो सबके सामने तुम्हें एम्बेस करेंगी। नियान, फिर भी वो तुम्हारी मॉम है, तुम्हें उन्हें इस तरह रूडली ट्रीट नहीं करना चाहिए। गोंगयू, ठीक है, हम मॉम को भी इन्विटेशन देंगे। नेक्स्ट सीन में हम शीदी को देखते हैं। गोंगयू ने उसे नियान के घर पर मेड बनाकर रखा है, तो जब चिंचू उसके पास आता है वो उसे गोंगयू समझकर डर जाती है और कहती है, मैं बस काम करने जा ही रही थी। चिंचू, शीदी तुम डरो नहीं, गोंगयू यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है, और वो उसे हक कर लेता है, बोलता है, मैं उसे तुम्हें दोबारा हर्ट करने नहीं दूंगा। शीदी, मुझे तुम पर बिलीव है। शीदी के जाने के बाद वहाँ चिंचू का सेक्रेटरी आता है और कहता है, कल गोंगयू की बर्थडे पार्टी है, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। चिंचू, मैं चाहता हूँ पार्टी जल्दी शुरू हो क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सेक्रेटरी, चिंचू क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम गोंगयू की बर्थडे पार्टी डिस्ट्रॉय कर पाओगे? चिंचू, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो गोंगयू को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो खुद गोंगयू है। सेक्रेटरी, पर तुम्हें डर नहीं है क्या, क्योंकि इस सब के बाद नियान तुमसे नफरत करने लगेगी। चिंचू, हाँ वो मुझसे नफरत करने लगेगी, और यही मेरे लिए सही रहेगा क्योंकि नफरत के बाद नियान मुझे कभी भूल नहीं पाएगी। फाइनली गोंगयू की बर्थडे का डे आता है। गोंगयू सबसे पहले जाकर नियान से मिलता है। नियान उसे अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग गिफ्ट करती है। गोंगयू, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मॉम आने वाली हैं। अकेले में फेंग नियान को बताता है, आज गोंगयू सुबह जागा तो उसने सबसे कह दिया कि कोई उससे बात ना करे, और फिर वो तुम्हें ढूंढने लगा क्योंकि गोंगयू चाहता था कि तुम उसे सबसे पहले विश करो। देन नियान रेडी होकर गोंगयू की मॉम का वेलकम करने आ जाती है। गोंगयू उससे कहता है, अगर उन्होंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मैं उन्हें यहाँ से जाने को कह दूंगा। नियान, अरे तुम इतना परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मॉम वहाँ पहुँचती हैं, वो अपने साथ मोना को भी पार्टी में लेकर आती हैं। गोंगयू का सारा मूड खराब हो जाता है, पर नियान उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, मोना जल्दी ही चली जाएगी। मॉम कहती है, मोना को मैंने इन्वाइट किया था। नियान मॉम से अपने सन होली के बारे में पूछती है। मॉम उसे बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। फाइनली पार्टी स्टार्ट होती है। गोंगयू सबसे मिलने के बाद अकेले में मोना से मिलता है और कहता है, तुम मेरे घर से चली जाओ। मोना, मैं यहाँ तुम्हारी मॉम के साथ आई हूँ। गोंगयू गुस्से में उसका गला दबाता है और उसे जाने को कहता है। मोना, गोंगयू तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम्हारी इलनेस और ज्यादा बिगड़ गई है, इसलिए तुम ट्रीटमेंट करा लो, नहीं तो तुम कभी नियान को या अपने बच्चे को भी हर्ट कर सकते हो। ये कहकर मोना चली जाती है। थोड़ी देर बाद भागता हुआ फेंग नियान के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी मॉम और गोंगयू की मॉम पार्टी में लड़ रही हैं होली को लेकर। नियान, गोंगयू कहाँ है? फेंग, गोंगयू को पता नहीं अचानक से क्या हो गया, उसने खुद को स्टडी रूम में बंद कर लिया है। नियान, चलो पहले हम मॉम के पास जाते हैं। बीच में वो मोना से मिलते हैं। नियान पूछती है, तुमने गोंगयू से क्या कहा? मोना, मैंने तो कुछ नहीं कहा। नियान, नहीं मुझे लगा तुमने ही कुछ किया होगा क्योंकि तुम इतनी जल्दी अपनी हार मानने वाली नहीं हो। फिर नियान अपनी मॉम के पास पहुंचती है। मॉम कहती है, मिसेस गोंग मुझे होली से मिलने नहीं दे रही। मिसेस गोंग, होली का सरनेम गोंग है, इसलिए वो किससे मिलेगा किससे नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। नियान अपनी मॉम को समझाकर अंदर भेज देती है। मिसेस गोंग, तुमने तो सब अच्छे से संभाल लिया। नियान, क्योंकि मैं गोंगयू की बर्थडे पार्टी खराब होने देना नहीं चाहती। मिसेस गोंग, अच्छा ऐसा है तो मैं भी तुम्हारा पेशेंस देखती हूँ। और वो नियान के पैर में अपनी हील चुबाती है, पर नियान उनसे कुछ भी नहीं कहती और सब कुछ चुपचाप सह लेती है। मिसेस गोंग, तुम में काफी पेशेंस है,
चलो मैं तुम्हें होली से मिला देती हूँ। पार्टी पूरी होने के बाद तुम अकेली मुझसे मिलने होटल आना। होली वही है, अकेले आना, गोंगियू को लेकर नहीं आना, नहीं तो वो मुझसे होली को छीन लेगा, जिस वजह से वो पूरी तरह से गोंग फैमिली से दूर हो जाएगा। नियान, ठीक है। देन नियान अंदर अपनी मॉम से मिलती है। वो कहती है, मैंने किसी से सुना है कि गोंगियू को पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो मेंटली इल है, इसलिए तुम उसे छोड़कर मेरे साथ वापस घर चलो। तभी वहाँ मिसेस गोंग आ जाती हैं और कहती हैं, हाँ नियान, गोंगियू को छोड़कर चली जाओ, जिससे मैं अपने सन की किसी अच्छी लड़की के साथ शादी करा दूँ। गोंगियू उन सभी की बातें सुन रहा था। वो स्टडी रूम से बाहर आता है और कहता है, तुम जाओ। नियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि गोंगियू उसे जाने को कह रहा है, पर गोंगियू अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे जाने को कहता है। मिसेस गोंग, गोंगियू तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी मॉम को जाने को कह रहे हो? गोंगियू, मॉम अगर आप यहाँ से नहीं गई तो मैं आपसे और डैड से सारी रिलेशनशिप खत्म कर लूंगा और लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। तो मिसेस गोंग उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। देन नियान गोंगियू से अकेले में बात करती है। गोंगियू उससे कहता है, आज के बाद तुम मेरी मॉम को कभी किसी भी पार्टी में इन्वाइट नहीं करना। नियान, मैं बस चाहती थी कि तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप ठीक हो जाए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी ही पार्टी रुइन कर देंगी। देन नियान गोंगियू को रूम में ले जाने लगती है, पर वो खड़ी नहीं हो पाती पैर में इंजरी की वजह से। गोंगियू, क्या हुआ? नियान उसे सच नहीं बताती कि ये इंजरी उसके मिसेस गोंग की वजह से हुई है। गोंगियू उसे रूम में लेकर जाता है और बैंडेज लगाता है। तभी रोती हुई नियान की मॉम उनके पास आती है और कहती है, नियान तुम्हारे डैड को कुछ हो गया है। नियान मॉम और गोंगियू के साथ अपने घर पहुंचती हैं। डैड की न्यूज चिंजू ने मॉम को दी थी। घर पहुंचकर मॉम पूछती हैं, चिंजू डैड को क्या हुआ है, वो कहाँ है? चिंजू, उनको किसी ने किडनैप कर लिया है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा। तभी चिंजू देखता है कि वहाँ हर कोई टेंशन में है, पर गोंगियू कॉफी एंजॉय कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। नियान उन दोनों को रोकती है, बेचारी हर जगह झगड़ा ही रोकती रहती है। देन गोंगियू और चिंजू नियान के डैड को ढूंढने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे फेंग नियान के पास आता है। दोनों बात ही कर रहे थे कि कैसे कल गोंगियू की बर्थडे पार्टी रुइन हो गई। तभी उन्हें ग्लास टूटने की आवाज आती है। नियान भागकर अपनी मॉम के पास पहुंचती है। वहां शीदी होती है, तो नियान को लगता है कि शीदी ने शायद उसकी मॉम को हर्ट करने की कोशिश की है। शीदी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मॉम ने मुझसे न्यूज़पेपर मांगा, मैंने उन्हें दिया और उसे पढ़ते ही उनके हाथ से ग्लास गिर पड़ा। मॉम, नियान जल्दी से गोंगियों को यहाँ बुलाओ। नियान गोंगियों को बुलाती है। तभी नियान न्यूज़पेपर की न्यूज़ देखकर शॉक हो जाती है। और इसी के साथ पार्ट 17 एंड होता है।